वृक्ष ने प्रश्न किया, प्रभु ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये कैसे बनाए? बोले बेटा ये सारा संसार ही ब्रह्मा ने बनाया है। अरे ब्रह्मा ने कैसा जगत बनायो है, कोई पुरुष वर नारी है, अति ऊंट गधा घोड़ा यार खच्चर यत बलकारी है, भैया बैल भैंसी और बकरी स्वान बिलाई भारी है, चूहे और चकचूंदर न्योरा बिच्छू सत्य यमारी है, मक्खी मच्छर और तनैया भुटकिया है न्यारी है, दीपक घुनी और पपई में मचे चीटी में सुमारी है, हिरण और खरगोश भेड़िया मेंढक मछली न्यारी है, गीदड़ और लोमड़ी देखो शेरनी सुगलकारी है, चूहा मछली मगर देखो यत बहकारी है, बलि जी गुरु और के कथा विष्ण बड़ा बहकारी है। एकदम महाराज परीक्षित बोले का ब्रह्मा बारी बारी से बनाते रहो? बोले हाँ बेटा, ब्रह्मा ने सब कुछ बारी बारी से बनाया है। और क्या बनाया? अरे मैंने भुड़कियां की पर देखो ची लगी तो भर मार नहीं, और मैंने भुड़कियां की पर देखो ची लगी तो भर मार नहीं, सिंगा बाजी और बटर चिड़ी सारस बदक ये पार बही, चुवायर घड़ियाल पतोबर बगुला राज कतार रही, भौरी कर गुंजार रही, मुर्गी और बदक वगैरह हंस चकोर ये पार रही, अंदर और लंगूर कतोबर कोयल धुनकी निकार रही, लीवर बिस्तार बाजी और बटर चिड़िया सारस बदक ये पार रही, चुवायर घड़ियाल पतो
जवाब दिया गुरु जी, और भी कुछ बनाया? बोले हाँ बहुत कुछ बनाया है ब्रह्मा ने। क्या बना डाला? जवाब दिया गुरुदेव, बहुत कुछ ब्रह्मा ने बनाया है। अरे चेतन जी में सुनाई नहीं, मैं जड़ जीवों के नाम सुनूं।